हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और उनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ के दुगनी से एक ज्यादा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसकी हमें सिर्फ एक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। हमें फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ, तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स एंड द लेंथ। अब लेंथ के लिए हमें क्या कंडीशन दी गई है? जो लेंथ है हमारी वो क्या है? वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, जो ब्रेथ है उसका हम ट्वाइस कर लेंगे, 2x। अब इसमें हमने 1 इंक्रीज करना है, प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ। अब हमें क्या दिया गया है? एरिया दिया गया है 528। तो 528 हमें एरिया दिया गया है। हमारे पास एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया हमें दिया गया 528। एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से। और ये हमें दिया गया है 528। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास लेंथ क्या है? 2x प्लस 1 इंटू बी। ब्रेथ हमारे पास है x इक्वल टू 528। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। अब 528 को इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये नंबर इधर लेफ्ट साइड में आ गया था, राइट साइड में बचेगी 0। लास्ट में हम राइट करेंगे वेयर x इज द ब्रेथ, और ये ब्रेथ किस में है? इन मीटर्स। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट रीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनकी अगर हम प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट आनी चाहिए 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब इसमें एक वर्ड आया है कॉन्सिक्यूटिव। अब ये कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्सिक्यूटिव मतलब कॉन्टिन्यूस, जो लगातार हो, जैसे 5, 6, 8, 9। ये क्या है? कॉन्सिक्यूटिव है। 8 के बाद क्या आया? 9, मतलब 1 इंक्रीज होना। किसी भी नंबर में 1 इंक्रीज करके जो नंबर आएगा वो उसका कॉन्सिक्यूटिव होगा। जैसे 10 है, 10 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो क्या आता है? 11। तो 10 और 11 दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हुए। तो हमें फाइंड करने हैं टू इंटीजर्स, तो हम करेंगे लेट द स्मॉलर इंटीजर। स्मॉलर इंटीजर को हम x मान लेंगे। द नेक्स्ट इंटीजर, उसको हम क्या करेंगे? 1 इंक्रीज कर देंगे। जो हमने स्टार्टिंग में नंबर माना है उसमें हम 1 इंक्रीज करेंगे, तभी हमें कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर मिलेगा। तो हमने x के अंदर 1 ऐड कर दिया। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है कि उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो कितनी होनी चाहिए? 306, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1, इनकी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए? 306। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अब क्या करेंगे हम, ये नंबर को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, राइट साइड में रह जाएगी 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनानी थी, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो सिचुएशन हमें दी गई है उनके लिए हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। तो ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे हम बता देंगे कि ये जो x यूज किया गया है वो क्या है इसमें? वेयर x इज स्मॉलर इंटीजर, स्मॉलर इंटीजर। थर्ड पार्ट में हमें रोहन की एज फाइंड करनी है, और इसके लिए हमें सिचुएशन क्या दी गई है? रोहन's मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ।
अब से 3 साल बाद अगर उनकी एज का प्रोडक्ट किया जाए तो वो कितना आएगा, 360। तो अब हमें फाइंड करनी है रोहन की प्रेजेंट एज। एज फाइंड नहीं करनी है, उसके लिए हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना। तो देखो अब कैसे बनाएंगे हम। हमें फाइंड करनी है रोहन की प्रेजेंट एज, तो हम वही लेट करेंगे, लेट रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। एक्स ईयर्स हमने रोहन की प्रेजेंट एज मान ली है। अब उसकी मदर की एज कितनी है, मदर्स एज, मदर की एज कितनी है रोहन की एज से 26 ज्यादा है। तो प्रोडक्ट करनी है, इस एज की नहीं करेंगे। कब करेंगे प्रोडक्ट, 3 साल बाद। 3 साल बाद जो एज होगी उस एज की हमने इसमें प्रोडक्ट करनी है। तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी, आफ्टर 3 ईयर्स। तो रोहन की एज निकाल लेते हैं पहले, रोहन एज 3 साल बाद रोहन की एज में 3 साल ऐड हो जाएंगे तो वो हो जाएगी एक्स प्लस 3। मदर्स एज राइट कर लेते हैं। अब मदर की एज कितनी थी, एक्स प्लस 26 थी और 3 साल बाद इसमें 3 ऐड कर देंगे हम तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 29। तो 3 साल बाद रोहन की एज ये होगी और उसकी मदर की एज ये होगी एक्स प्लस 29। अब हमें कंडीशन दी गई है कि इनकी प्रोडक्ट करनी है, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट करके कितना आएगा, 360। तो इक्वल में हम राइट कर देंगे 360। अब इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस 29x, 3 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ प्लस 3x, 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ 87 इज इक्वल टू 360। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर एक्स वाले टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 32x प्लस 87। इधर से 360 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल में हमारे पास है 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 32x, इनके अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -273 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हम राइट कर देंगे कि यहाँ पे हमने जो x लिया है वो क्या था हमारे पास, वेयर x इज रोहन प्रेजेंट एज। तो इसमें जो x है वो हमारा क्या है, रोहन की प्रेजेंट एज। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करनी है एक ट्रेन की स्पीड। कंडीशन क्या दी गई है, A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। कोई ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब स्पीड उसकी चेंज नहीं हुई है बीच में। तो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम किया जाए, देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो क्या होगा, वो ट्रेन उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा टाइम लगाएगी। तो हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो इसके लिए हम स्पीड को लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें दी गई है 480 किलोमीटर। अब हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसको हम राइट कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जो हमारे पास 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको ट्रेन कवर करेगी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, 480/x। ये हमारे पास आ गया है टाइम आवर्स में। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया जाए तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू पहले x थी, अब उसको हमने क्या करना है, 8 कम कर देना है, तो इसमें से हम 8 माइनस कर देंगे किलोमीटर पर आवर। अब हमने स्पीड को तो कम कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन x माइनस 8। डिस्टेंस तो सेम रहेगी, स्पीड हमारी चेंज हुई है, x माइनस 8 हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेंगे। अब हमारे पास दो बार टाइम आया, एक ये आया और एक ये आया।
ये वाला टाइम कम है और ये वाला टाइम है ज्यादा, क्योंकि अगर हम स्पीड कम कर देंगे, अब हमने इसमें क्या किया था, पहले स्पीड x थी, 8 कम कर दी है, अब स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, और इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना आया, 3 घंटे, 3 घंटे ज्यादा लगे इसमें, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3 आता है, तो ज्यादा टाइम में से हम कम टाइम को माइनस कर देंगे, ये हमारे पास ज्यादा टाइम था और ये हमारे पास कम टाइम था, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3 घंटे, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और यहाँ नोमिनेटर में आएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8। ये यहाँ पे कैसे आया, जैसे हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की हो, 480 की मल्टीप्लाई x से, फिर माइनस 480 की मल्टीप्लाई x माइनस 8 के साथ, तो ऐसे हमारा ये सिचुएशन हुई, और इक्वल में हमारे पास है 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 480x माइनस 480 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे, माइनस 480x, फिर हमारे पास 480 मल्टीप्लाई में माइनस 8 है, तो ये आ जाएगा प्लस का साइन, क्योंकि ये नंबर भी नेगेटिव है और ये वाला नंबर भी नेगेटिव है, इनकी प्रोडक्ट करेंगे 3840, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 8 इंटू एक्स था, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, और इक्वल में हमारे पास है 3। तब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये नंबर पॉजिटिव है और 480x नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अब हमारे पास आ गया है 3840 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इक्वल में है 3। इसके बारे में हम 1 लगा लेंगे, क्योंकि अब हम करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 24x इक्वल टू 3840 की मल्टीप्लाई 1 से की 3840। अब इस 3840 को हम इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 3x स्क्वेयर माइनस 24x, ये आ जाएगा नेगेटिव, माइनस 3840 इक्वल में हमारे पास है 0। अब हम क्या करेंगे, इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल में हमारे पास है 0। अब क्या होगा, ये 3 यहाँ से इधर राइट साइड में 0 के डिवाइड में चला जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, 1280 इक्वल टू 0 बाय 3 करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 0। ये आ गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसमें राइट कर देंगे कि इसमें एक्स क्या है, देयर एक्स इज द स्पीड ऑफ ट्रेन,